स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईएस बोर्ड के अप्रैल 2023 वाले स्टूडेंट्स के बारे में। तो अप्रैल 2023 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन बच्चों को कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी और जिनको करने की वजह से उनका लगभग पूरा साल ख़राब हो सकता है। सो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को डिटेल में समझ पाएँ और समझ पाएँ कि कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में एकदम से ना क्लियर ये भी हो जाएगा कि एक्चुअल में आपका जो एडमिशन लेने से लेकर के रिजल्ट आने तक का प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और साथ ही साथ कौन कौन सी मिस्टेक्स से आपको बचना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें फॉर ऑल दी लेटेस्ट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। एंड हाँ, वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इफ यू हैव एनी डाउट सो लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन सो दैट हम आपके जो जितने भी डाउट्स या कॉमेंट्स हैं उन पर भी जो है वीडियोस बनाते रहें, ठीक है। तो मान लो आपने जो है अप्रैल 2023 सेशन में जो है एडमिशन ले लिया, या फिर अगर आप अक्टूबर 2023 में भी अपीयर होने वाले हो तो भी आप इस वीडियो को जो है जरूर देखें, समझें स्टेप बाय स्टेप कि आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। मान लो आपने जो है एडमिशन ले लिया एंड आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म हो गया, ठीक है, आपको इस तरीके से आईडी कार्ड जो है इशू हो गया, आईडी कार्ड भी। तो एडमिशन लेने के बाद जो फर्स्ट स्टेप आप लोगों का होता है वो क्या होता है जो आपको देखना है, ठीक है। एडमिशन ले लिया उसके बाद जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है बच्चों के सामने या फिर जो पहली मिस्टेक है वो नहीं करते, वो है होती है बुक्स की। बुक्स जिसके अंदर आपके चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर आपका सारा स्टडी मटेरियल है कि आपको क्या पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो जब आपके पास बुक्स ही नहीं होंगी, जब आपके पास पूरा अपना पाठ्यक्रम ही नहीं होगा तो आप क्या ही प्रिपेयर करोगे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन लेने के बाद आराम से बैठ जाते हैं, बिकॉज आपको पता है स्कूल वगैरह तो आपको जाना नहीं होता। तो बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने के बाद आराम से बैठ जाते हैं और ना अपनी बुक्स के बारे में पता करते हैं, ना अपना सिलेबस जानते हैं, ना ये जानते हैं कि क्या लेवल है उनकी पढ़ाई का, कैसी बुक्स हैं, कैसे चैप्टर्स हैं, क्या क्या उनको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो ये दूसरी मिस्टेक हो जाती है। और जब आप लोग अपनी आँखें खोलते हो ना पढ़ाई को लेकर, तो वो एग्ज़ाम से जस्ट 15-20 दिन पहले या हद से ज्यादा एक महीने पहले है ना, तब आप थोड़ा अलर्ट होते हो कि अरे अब तो जो है डेट शीट भी आ गई है, अब तो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्यों पढ़ेंगे नहीं तो स्कोर कैसे करेंगे। लेकिन जब इतने कम टाइम में आप अपने ऊपर इतना सारा प्रेशर लेते हो तो उस टाइम पे आप प्रिपेयर ठीक से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत सारे बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं। बट हम नहीं चाहते कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इस तरीके का, ये जो भयंकर शब्द है ना फेल, इसको कभी भी फेस करें। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें भी पता चलेंगी और ये भी पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि आपको पढ़ाई हम वही चीज़ें करवाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो बुक्स लेनी बहुत ज़रूरी है, डोंट डू दिस मिस्टेक ऑल्सो, अपना बुक्स ज़रूर लें। आप देखो बहुत सारे बच्चों के पास ये भी प्रॉब्लम आती है कि बुक्स उनको टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाती, और जब डिलीवर होती है तो इतना ज़्यादा लेट हो जाता है कि उन बुक्स का कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है, आप नॉर्मली या तो मार्केट से कोई भी गाइड वगैरह परचेज कर सकते हैं, गाइड के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कौन सी गाइड आप ले सकते हैं, कौन सी बेस्ट रहती है। इसके अलावा एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि जब तक आपकी बुक्स आपको डिलीवर नहीं होती और आपके मन में ये इच्छा है कि भी हाँ हमें पढ़ना है, ठीक है, टाइम से हमें पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तभी एग्जाम तक अच्छे से पूरी तैयारी कर पाएंगे, तो उसके लिए आप अपनी बुक्स को पीडीएफ फॉर्म में भी हमसे ले सकते हो। हमारे ऐप पर ये सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है, इनफैक्ट हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनको प्रिपेयर किया है, वो भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप अपनी सारी बुक्स को क्लास 12th की, क्लास 10th की फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ऑल बुक्स को, ऑल सब्जेक्ट्स की बुक को हमारे ऐप पर जाकर, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड हाँ, अगर आपको फिजिकल फॉर्म में भी बुक्स चाहिए तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बुक्स डिलीवर नहीं हुई हैं तो भी हम आपको बुक्स जो है प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में भी। तो 7303838500 ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी इसको सेव करके रखो पीएससी एनआईएस के नाम से, ताकि जब आपको कोई डाउट हो, है ना, कोई क्वेरी हो, इंफॉर्मेशन आपको लेनी हो, तो आप इस नंबर से हम पर कांटेक्ट कर सके। तो ये हो गया आपकी बुक्स का, बुक्स यानी अपने चैप्टर्स को जानना जरूरी है, अपने सिलेबस को जानना आपका जरूरी है। हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, ब्लूप्रिंट है, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। काफ़ी सारे जो है पेपर के पैटर्न मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ हर एक सब्जेक्ट के, तो मैं दोनों 10th और 12th की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट के पेपर के पैटर्न को समझ सकें। ये हो गया बुक्स, जो कि आपको लेनी ज़रूरी है, नहीं है तो पीडीएफ फॉर्म में ले लो, हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नेक्स्ट है आपका, जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, पीसीपी क्लासेस। तो देखो
पीसीपी क्लासेज जो है वो अटेंड करनी भी बहुत ज़रूरी होती है आफ्टर टेकिंग एडमिशन। अब क्या है कि कुछ स्कूल्स वाले पीसीपी क्लासेस करवाते हैं, कुछ स्कूल्स वाले नहीं करवाते, बट अगर आपके स्कूल वाले जो है पीसीपी क्लासेस अरेंज कर रहे हैं आपके लिए, पीसीपी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सो उस केस में यू मस्ट अटेंड योर पीसीपी क्लासेस। पीसीपी क्लासेस अटेंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएं, क्योंकि क्या होता है कि जो स्कूल वाले पीसीपी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो मार्क्स भी आपको वहाँ से मिलते हैं। अगर बाय चांस पीसीपी क्लासेस आपके स्कूल वाले प्रोवाइड ही नहीं कर रहे तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर वो सभी बच्चों को मार्क्स जो है वहाँ से दे देते हैं। लेकिन अगर प्रोवाइड वो करा रहे हैं और आप उनको अटेंड नहीं कर रहे तो उस सिचुएशन में ये आपके लिए जो है ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो जो मार्क्स प्रोवाइड आपको होने वाले हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट योर पीसीपी क्लासेस। तो ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी, अगर आपके स्कूल वाले प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपको पीसीपी क्लासेस जरूर अटेंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट वो क्या मिस्टेक है जो बच्चे नहीं करते, और ये जो नेक्स्ट मिस्टेक है ना ये इतनी भयंकर मिस्टेक है कि आफ्टर टेकिंग एडमिशन आपने एडमिशन की फीस पे कर दी, सारा कुछ आपका हो गया, एडमिशन कन्फर्म हो गया, बट इफ यू डोंट पे योर एग्जाम फीस, सो इन दैट केस यू कांट टेक योर एग्जाम्स। सो एग्जाम फीस आपकी सबमिट करनी बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी हो जाती है, सारे काम आपके हो गए, बट एग्जाम से पहले जो कि एग्जाम फीस होती है, अगर आप वो सबमिट नहीं करते तो आप अपने एग्जाम भी नहीं दे सकते, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन भी रहती है कि क्या एग्जाम फीस जो है वो एडमिशन के टाइम पर चली जाती है। तो देखो क्या होता है, आपको दो बार फीस जमा करनी होती है, एक तो जब आपने एडमिशन लिया था तो वो थी आपकी एडमिशन की फीस, लेकिन एग्जाम फीस जो होती है वो आपकी एग्जाम से थोड़े दिन पहले जाती है, तो उसके लिए पोर्टल ओपन होता है, इस तरीके से आप अपनी एग्जाम फीस भरते हो, आप देख सकते हो ये पूरा प्रोसेस होता है, ऑलरेडी हम इस पर वीडियो बना चुके हैं, और जैसे ही आपकी एग्जाम फीस का पोर्टल ओपन होगा हम तुरंत आपको यहां से अपडेट दे देंगे कि भाई हां अब आपको एग्जाम फीस सबमिट करनी है और इस तरीके से सबमिट करनी है, सिंपल स्टेप्स भी आपको बताएंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके, सो दैट आप अपनी एग्जाम फीस भी खुद सबमिट कर पाए, और बाय चांस अगर आप सबमिट नहीं कर सकते तो आप हमारी टीम की हेल्प ले सकते हैं, हम आपकी एग्जाम फीस जो है वो सबमिट करवा देंगे, ठीक है, पूरी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम फीस सबमिट करवाने में। नंबर है 7303838500। तो ये है एग्जाम फीस जो सबमिट करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सारे काम कर लिए बट एग्जाम फीस सबमिट नहीं करी तो आप एग्जाम में अपियर ही नहीं हो पाओगे, एग्जाम आप देने के लिए बैठ ही नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारी जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो है TMA, ठीक है। अब क्या है, अब ये है कि अगर आप लोग अपनी एग्जाम फीस सबमिट करते थे हो तो ही आप अपने असाइनमेंट भी सबमिट कर पाओगे, ये एक तरीके से आप शर्त समझ सकते हो, दैट फर्स्टली यू हैव टू सबमिट योर एग्जाम फीस, देन यू कैन ऑल्सो सबमिट योर TMA। तो TMA जिसको हम असाइनमेंट भी बोलते हैं, इस पर ऑलरेडी कई सारी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि TMA सबमिट करने क्यों जरूरी है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो TMA भी आप जो है जरूर से बना करके सबमिट करें, क्योंकि अगर आप TMA सबमिट नहीं करते बनाकर तो जो 20% आपको मिलने वाला होता है, 20% TMA कैरी करते हैं तो वो 20% आपको नहीं मिलेगा अगर TMA बनाने नहीं आते, क्योंकि देखो आपको पता है कि हर TMA के अंदर 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, तो आपको हमारे चैनल पर ऑल सब्जेक्ट के सॉल्व TMA यानी असाइनमेंट मिल जाएंगे, आपको सारी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड इफ यू नीड PDF ऑफ योर सोल्यूशन, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के TMA के सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर 7303838500, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बाकी आप हमारे PSC पाई स्टडी सर्कल ऐप पर जाकर वहाँ से भी अपने ऑल सब्जेक्ट के असाइनमेंट और प्रैक्टिकल की PDF परचेज वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल भी होंगे, ठीक है। तो ये TMA अपलोड है, TMA अपलोड करने का प्रोसेस कुछ इस तरीके से है, बाकी जब TMA अपलोड होने शुरू होंगे तो हम एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको समझाएंगे कि इस तरीके से आप अपने TMA सबमिट कर सकते हैं, बट बेहतर ये रहता है कि TMA आप खुद सबमिट ना करके किसी एक्सपर्ट से सबमिट कराएं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं असाइनमेंट सबमिट करने के टाइम पर, जिससे उनको मार्क्स नहीं मिल पाते, ठीक है। तो अगर आप अपने असाइनमेंट हमसे बना करके सबमिट करवाना चाहें तो भी आप करवा सकते हैं, हमारे पास एक्सपर्ट राइटर हैं जो आपके असाइनमेंट को नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखते हैं, फिर हमारी टीम आपके असाइनमेंट को प्रॉपर तरीके से अपलोड करती है, ठीक है। तो अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट भी चाहिए पूरा का पूरा सोल्यूशन तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर ये रहा
इसको सेव करके रखें, ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। तो TMA अपलोड करवाने के लिए भी आप हमारी टीम की हेल्प ले सकते हैं। तो ये हो गया TMA जिसको सबमिट करना भी ज़रूरी है, तो ये मिस्टेक भी आपको नहीं करनी। तो देखो स्टूडेंट, जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ वो स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि एडमिशन कन्फर्म होने से लेकर के उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और इनमें से एक भी मिस्टेक आपको नहीं करनी, क्योंकि हर एक पहलू दूसरे से जुड़ा हुआ है, और अगर आप एक चीज़ को मिस कर देते हो तो उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके फाइनल रिजल्ट पर बनता है, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत सारी चीजें बच्चों को पता इसलिए नहीं रहती क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं मिलती, या फिर बहुत सारे लोग जो है उनको ऐसे ही कभी TMA के नाम पर, कभी प्रैक्टिकल के नाम पर उल्लू बना देते हैं, उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। लेकिन जब आप हमारे साथ जुड़ते हो तो यहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन सही टाइम पर हम देते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये मिस्टेक भी नहीं करनी, ये चीज भी आप ध्यान रखें। आप TMA सबमिट कर दोगे तो जो नेक्स्ट गलती है जो आपको नहीं करनी वो है प्रैक्टिकल हॉल टिकट, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम आपके होते हैं, उससे पहले आपका प्रैक्टिकल हॉल टिकट रिलीज किया जाता है जो आप डाउनलोड करेंगे। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल हॉल टिकट होता है, इसको डाउनलोड करना भी हम सिखाएंगे, और जैसे ही प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आता है तो भी हम आपको यहाँ से इन्फॉर्म करेंगे। तो आपको प्रैक्टिकल देने से पहले हॉल टिकट डाउनलोड करना जरूरी होता है, तो आपको ये मिस्टेक भी नहीं करनी। जब प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आप डाउनलोड कर लेते हैं तब फाइनली फिर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाता है। प्रैक्टिकल में जो है आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होगा, ये सारी चीजें आपको हम बताते हैं। और इसके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रैक्टिकल है, देखो ऑल सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं होता, TMA जो है वो तो सारे सब्जेक्ट्स से बनते हैं, बट प्रैक्टिकल कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स में होते हैं। तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं अगर नहीं पता है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देखिए कि आपके किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है। उसके बाद फिर बात आती है कि उन इतने बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स को हम कहाँ से सॉल्व करें। सो गाइज, उसके लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हैं हमारे ऐप पर जिसका नाम PSC पाई स्टडी सर्कल है, वहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल की PDF आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से अपनी PDF ले लीजिए, या फिर आप हमारी WhatsApp टीम के पास कॉन्टैक्ट करके भी अपने प्रैक्टिकल के सोल्यूशन वहां से ले सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल के लिए भी रेडी रहना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है किसी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का, किसी में 20 मार्क्स का, किसी में 70 मार्क्स का भी इवन होता है, किसी में 80 मार्क्स का भी होता है। तो प्रैक्टिकल फाइल भी आपको जरूर बनानी है। प्रैक्टिकल फाइल जो है वो आपके मार्क्स को और अच्छा करने में आपकी हेल्प करती है। जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं, प्रैक्टिकल की फाइल बनाते हैं, और प्रैक्टिकल में इसके अलावा क्या होता है, प्रैक्टिकल में रिटर्न एग्जाम भी होता है, वाइवा भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, रिटर्न एग्जाम में आपको क्या देना है, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और ये सारे प्रैक्टिकल जो हैं, जितने भी हमारे पास आपको प्रैक्टिकल या TMA की PDF मिलती है, सॉल्यूशन मिलते हैं, वो सारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू हम तैयार करवाते हैं जिन पर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और पिछले कई सालों से हम बच्चों को ये असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते आ रहे हैं। सारी वीडियोज़ आपको हमारी YouTube पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, तो आप चाहे वीडियो देखकर भी बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया प्रैक्टिकल, जो आपको जो है ध्यान रखना होता है कि भाई कब प्रैक्टिकल देना है और प्रैक्टिकल के दिन क्या होगा, तो ये मिस्टेक भी आप ना करें। अब मान लो आपके हो गए प्रैक्टिकल, जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपका थ्योरी का हॉल टिकट। अब सारी चीज़ें आपने एक एक करके फॉलो कर ली, सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, उसके बाद जो है आपका थ्योरी एग्जाम का टाइम आ जाएगा। अब थ्योरी एग्जाम से पहले यू हैव टू डाउनलोड योर थ्योरी हॉल टिकट। थ्योरी हॉल टिकट जो कि कुछ इस तरीके से होता है, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना थ्योरी हॉल टिकट डाउनलोड करना होता है। हम आपको बताएंगे भी टाइम आने पर कि किस तरीके से आप अपना थ्योरी हॉल टिकट डाउनलोड करें। थ्योरी हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद आपके जो है फिर फाइनली थ्योरी एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। सो फाइनली आप लोगों के थ्योरी एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे अप्रैल में जा करके। अब देखो क्या होता है, मान लो आपने स्टार्टिंग से लेकर के अब तक सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, आपने अपना जो है प्रैक्टिकल बनाए, उससे पहले आपने असाइनमेंट भी बनाए थे, ठीक है, सारी चीज़ें आपने कर ली, अपनी एग्जाम फीस भी सबमिट कर ली। लेकिन अगर आप एग्जाम देने ही नहीं जाओगे तो फिर वो सारी चीज़ें वेस्ट हैं। लेकिन अगर आप जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स आपको एग्जाम देने हैं, तभी आप ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं और इनको समझ रहे हैं। सो फाइनली आपके थ्योरी एग्जाम का टाइम आ जाएगा, थ्योरी एग्जाम देने जाइए, और एग्जाम टाइम पर आपको हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ से वैसे भी मिलेंगे पूरे सिलेबस में से, और अभी से जो है हम आपकी तैयारी भी शुरू करवा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स आपको यहां से मिल रहे हैं। और अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को जो है डाउनलोड करके रखें। ऐप पर हमने बहुत सारी क्लासेस आपको जो है बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड की हैं, जो बहुत अफोर्डेबल हैं, कम चार्ज में है, जिसको कोई भी आसानी से अफोर्ड कर सकता है,
तो हर एक सब्जेक्ट का जो भी आपको हम करा रहे हैं उसमें डेमो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप डेमो वीडियो देखकर किसी भी कोर्स में एनरोल जो है कर सकते हैं। हमारे अलग अलग टीचर्स आपको ऐप पर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एनएस बोर्ड के बच्चों के साथ क्या होता है कि उनको अच्छे तरीके से क्लासेस नहीं मिल पाती, दैट्स वाई वो अच्छे से स्कोर नहीं कर पाते। और क्लासेस के अंदर ना केवल हम आपको जो है अच्छे से पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन भी देते हैं, साथ ही साथ एग्जाम को कैसे आप कर सकते हैं प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से कराते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जो है पर्सनली हमारे टीचर से जुड़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपको जस्ट वही बताया जाए जो एग्जाम में आना है, तो उसके लिए आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विस को भी जो है ले सकते हैं। कंसल्टेंसी सर्विस को लेने के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए, नंबर है 7303838500, तो हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस सर्विस को ले सकते हैं जो आपको 100% पास कराने की गारंटी देती है। तो ये आपका हो गया थ्योरी एग्जाम जो कि आप देंगे, और इसके बाद जो बच्चों को फिर जो है रहता है ना हमारा कि भाई हमारा जो है रिजल्ट कब और कहाँ मिलेगा, तो मान लो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी तो ये आपको ध्यान रखना है फिर, क्योंकि अब रिजल्ट भी तो लेना है हमें, तो रिजल्ट कब और कहाँ मिलेगा कुछ इस तरीके से आप लोगों का रिजल्ट आता है, ठीक है। थोड़ा इसको ब्लर कर दिया है ताकि प्राइवेसी बनी रहे, और रिजल्ट आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। आपको दिखा भी रही हूँ मैं कि रिजल्ट कैसा आपको मिलता है, ये रहा, ठीक है। रिजल्ट के साथ क्या क्या मिलेगा ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये है हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, तो इस तरीके से रिजल्ट आपको मिलता है। लेकिन रिजल्ट मिलने के बाद भी बहुत सारे बच्चों के साथ, बच्चों देखो क्या होता है कि रिजल्ट में कुछ जो है उनको एब्रिविएशन शो हो जाती हैं, या फिर रिजल्ट में उनके मार्क्स कम रह जाते हैं, या फिर किसी सब्जेक्ट को वो क्लियर नहीं कर पाते, तो उस जो है सिचुएशन में बच्चों को जो है हेल्प की ज़रूरत होती है। और बाय चांस खैर मैं ये नहीं बोलना चाहती कि अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाए, उसके मार्क्स बहुत कम रह जाए, तो फिर वो क्या करे, तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है, जो आपके पैसे ठगे बिना आपको सही तरीके से गाइडेंस करे और एक्चुअल में बताए कि आपको करना क्या है। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारा नंबर सेव करके रखिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको या आपके किसी फ्रेंड को अगर ज़रूरत हो तो आपको सही सलाह सही टाइम पर मिल सके। सही टाइम पर मिलने का मतलब यह है कि आपका साल ख़राब ना हो, आने वाला वक्त भी ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मैंने आपको बताई हैं। सो गाइस, विद दिस मैंने आपको बताया है कि हाँ आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, एडमिशन लेने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पहला स्टेप कहीं ना कहीं दूसरे से जुड़ा हुआ है, एंड आपको एक भी स्टेप को मिस नहीं करना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर किया हुआ है तो थैंक यू सो मच तहे दिल से आप सभी का। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी हमारी टीम है, नंबर मैंने आपको दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, वहां पर कॉन्टैक्ट करके आप कोई भी अपना क्वेरी, कोई भी अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर काफी सारे जो कोर्सेज लॉन्च हुए हैं वो काफी अफोर्डेबल हैं, डेमो वीडियो देखिए और जल्दी से कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके रखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी अगर इंग्लिश की वीडियो देखना चाहते हैं 10th या फिर 12th एनआईएस की, तो हमारा लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम चैनल है, उसको भी विजिट कर लीजिएगा। उस पर आपका इंग्लिश का सारा सिलेबस आपको इजीली मिल जाएगा, घर बैठे आप इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो चलिए, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडिंग इन पाई स्टडी, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।